दोस्तों, अगर आप एंजल स्पार्क के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पोर्टफोलियो एडवाइजरी का एक बैनर देखने को मिलता है। इस बैनर के ऊपर सिंपली क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी पोर्टफोलियो जो है ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे 77 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो CAGR इसका 13.03% का है। रिस्की हाई रिस्की है। इसके साथ ही डिविडेंड किंग की बात करते हैं, ये एंजल वन के द्वारा यहाँ पे सुझाया गया है। यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज दैट हैव गिवन कंसल्टेंसी हायर डिविडेंट देने वाला ये पोर्टफोलियो है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 183 रुपीज़ का है। CAGR 7.02% पे वर्किंग कर रहा है। रिस्क इसके अंदर लो है। तो इसके साथ हम जा सकते हैं निफ्टी एंड गोल्ड में। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पावर ऑफ इक्विटी कंपाउंडिंग विथ द प्रोटेक्शन ऑफ गोल्ड, निफ्टी एंड गोल्ड का ये पोर्टफोलियो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 297 है। CAGR 11.56 के CAGR पे वर्किंग कर रहा है। इसमें रिस्क जो है मीडियम रिस्क है। इंडिया टॉप 100 आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं, द इंडिया स्टोरी इन्वेस्ट ऑफ इंडिया ब्लू चिप कंपनीज अलॉन्ग विथ इमर्जिंग ब्लू चिप कंपनीज इसके अंदर है। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये 1039 का है। CAGR 12.31% का है। रिस्क इसके अंदर मिनिमम रिस्क, मीडियम रिस्क है। इसके साथ हाउस ऑफ टाटा का ये पोर्टफोलियो है। खैर, यहाँ पे बहुत से पोर्टफोलियो है, आप इनको देख सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट वाला जो डिविडेंड किंग है। तो डिविडेंड किंग के ऊपर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो लो रिस्क है, हम लो रिस्क के साथ जाना चाहेंगे। इसके ऊपर हम सिंपली प्रेस करेंगे, ये स्मॉल केस पर हमको ले किया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमें जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि 11 मंथ में इसने 13.85% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। लो वॉलीटिलिटी काउंटर है, इसके अंदर वॉलीटिलिटी काफ़ी कम है। ओवरव्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ETF एंड वेल्थ यह देखने को मिलता है। इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है अबाउट द स्मॉल कैश, आप इसके बारे में देख सकते हैं। ETF एंड वेल्थ ही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एट चांस 3 ETF है। रीबैलेंस फ्रिक्वेंसी क्वार्टरली है, ये जनवरी 2023, और नेक्स्ट बैलेंस अप्रैल 2023। चेक लेटेस्ट रीबैलेंस अपडेट इशू बाय द मैनेजर, ये इसका जो फंड मैनेजर होता है, आपको ये फंड को मैनेज करता है, उसके द्वारा यहाँ पे जो भी मैनेज किया जाएगा आपको सारा कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ निप्पॉन इंडिया ETF डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में दिया गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सिंपली इसको देखना चाहते हैं ओवरव्यू के साथ में जाना चाहते हैं, तो इसका ओवरव्यू देख सकते हैं डिविडेंड किंग का। यहाँ आपको जो इक्विटी लार्ज कैप की, आपको यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन देखने को मिलेंगी, और साथ ही जो डिविडेंड किंग है इसमें आपको ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेंगी, जो 112 एंड 104 देखने को मिलेगा। यानी कि डिविडेंड किंग जो है इसमें काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। जो इक्विटी लार्ज कैप के से ज़्यादा हमको जो ग्रोथ देखने को मिलती है डिविडेंड किंग में देखने को मिलती है। 6 मंथ का इसका परफॉर्मेंस है, 3 मंथ का परफॉर्मेंस है, 1 मंथ का परफॉर्मेंस है। हर पैरामीटर पर हमको डिविडेंड किंग अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही एंजल वन मैनेजर की यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके साथ अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट बटन आपको नीचे देखने को मिलेंगी। सिंपली इस बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करते हैं इन्वेस्ट नाउ बटन पे, और यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे ये आता है कि मार्केट क्लोज हो चुका है। इसमें ऑर्डर लगाने के लिए हमें यहाँ पे 3 बजे से, हमें यहाँ पे 9:15 से 3:30 तक के ऑर्डर लगाना है, और मार्केट रीओपनिंग 15:17 मार्केट दोबारा ओपन होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे रिमाइंड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।